सुप्रभातम प्यारे बच्चों, मैं अंजलि चौधरी कक्षा 8 विषय संस्कृत सप्तम पाठ यानी पाठ 7 में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, क्या नाम है हमारे पाठ का? भारत जनता अहम। किस तरीके से इस पाठ में हमारे आधुनिक कवि कवि कुल श्रोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ला द्वारा किस तरीके से भारतीय जनता की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। बच्चों, हमने आपको इस पाठ को पढ़ाया व इसके अर्थ को समझाया और इसका अभ्यास कार्य कराया। आज हम इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते यानी प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपने पाठ में समझा कि किस तरीके से भारतीय जनता में क्या क्या विशेषता है, उनके विविध कौशल, विविध रुचियां आदि की विशेषताएं की गई है। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत यानी प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में लिखना है हमें, किसमें? एक शब्द में। चलिए शुरू करते हैं। क, क अहम वसुंधरा किम मन्ये, अहम वसुंधराम के मन्ये, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूं या मैं पृथ्वी को क्या मानती हूं। तो हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? कुटुंबम। हमारे पाठ में क्या बताया गया था? कुटुंबम यानी परिवार, मैं पृथ्वी को परिवार मानती हूं। खा मम सहजा प्रकृति का आसी मेरा सहज स्वभाव क्या है? तो क्या है भारत की जनता का सहज स्वभाव? मैत्री। क्या होता है मैत्री बच्चों? दोस्ती। यानी भारतीय जनता का स्वभाव क्या है? मैत्री वाला है यानी दोस्ती का है। ग, प्रश्न ग, अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि। अहम कस्मा कठिना भारत जनता अस्मि यानी भारत की जनता किससे कठोर है? कस्मात यानी किससे कठिना यानी कठोर है, तो किससे कठोर है? वज्र से भी कठोर। घा दिख रहा है, अहम मित्रस्य चक्षुषा पश्यन्ति।
भारत जनता अस्मि। अहम मित्र से चक्षुराम के पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, मैं भारत की जनता भारत जनता अस्मि। तो मित्र की दृष्टि से भारत की जनता मृत की मित्र की दृष्टि से मित्र से यानी मृत की दृष्टि से चक्षुषाम आंखों से या दृष्टि से दोनों किसको देखती है, क्या देखती है भारत की जनता? तो हमारा क्या उत्तर होगा? संसारम। किसको देखती है? संसारम यानी पूरे संसार को, पूरे जगत को। चलिए पढ़ते हैं एक बार। चलिए, अहम वसुंधरा के मान्य, मैं वसुंधरा को क्या मानती हूँ? कौन बोल रहा है इस बात को? भारत की जनता बोल रही है। तो क्या वो क्या मानती है? कुटुंबम यानी परिवार। ख, मम सहजा प्रकृति का अस्ति, मेरा सहज स्वभाव क्या है? तो क्या है? मैत्री यानी दोस्ती का सहज स्वभाव, मैत्री यानी दोस्ती का। अहम कस्मात कठिना भारत जनता अस्मि, भारत की जनता किससे कठोर है? तो कुलिशा किससे कठोर? वज्र से भी कठोर है। कुलिशा का क्या मतलब? वज्र से भी कठोर है। अहम मित्र से चक्षुराम के पश्यन्ति भारत जनता अस्मि, भारत यानी मैं भारत की जनता मित्र की दृष्टि से देखती हूँ। किसको देखती हूँ? संसार यानी पूरे संसार को देखती हूँ। सभी बच्चे ये प्रश्न उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे व याद करेंगे। बच्चों अब हम प्रश्न नंबर 3, प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्य लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य यानी पूरा देना है। जैसे हमने पहले एक शब्द में दिया था, अब पूर्ण वाक्य यानी पूरी लाइन में देना है। प्रश्न नंबर का, भारत जनता है कई परतों का अस्ति, भारत की जनता किससे परिपूर्ण है? तो किससे परिपूर्ण है बच्चों? भारत जनता है, यह सिर्फ हम यहां इसको भारत जनता ही कह सकते हैं, इतना एन छोड़ दीजिए। भारत जनता ये एक ही शब्द है इतना बड़ा, आध्यात्म सुधा तटनी इश्नाने परिपूता अस्ति। भारत जनता आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्ति, यानी भारत की जनता आध्यात्म रूपी, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूं कि आध्यात्म रूपी का क्या मतलब होता है। आध्यात्म रूपी अमृतमय नदी में स्नान, स्नाने यानी स्नान, आध्यात्म रूपी नदी में स्नान से परिपूर्ण हूँ। भारत जनता वसु आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्ति। सम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सम जगत किम मुग्धम यानी सम जगत, कथम मुग्धम यानी सारा जगत किससे मुग्धम यानी मोहित है। तो कैसे है सम जगत
नृत्यई यानी नृत्य से, गीतई और गीतों से, कावश्च काव्यश्च ये आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे भी आपको चित्र जाता है, आप उसमें देखकर कर सकते हैं। सब जगत कथा मुग्धम अस्ति, सारा जगत कैसे मोहित है। तो सब जगत भारत जनता है, यानी भारत की जनता नृत्य यानी गीतों से, नृत्य से, गीते से और का और च यानी और काव्य से मोहित है। अहम किम किम चिनोमि, किम किम बच्चों दो तरह से लिखा जाता है। किम किम यानी किम हम मैं भी बना सकते हैं और बिंदी भी लगा सकते हैं। इस तरीके से किम ऐसे भी लिखा जाता है और किम ऐसे भी लिखा जाता है, दोनों का समान मतलब होता है, यानी समान अर्थ है दोनों का ही। तो अहम किम किम चुनो, मैं क्या क्या चुनती हूं। अहम विश्वस्मिन, जगत सदा मैं क्या क्या चुनती हूं। अहम प्रेय श्रेय च उभयम्, मैं भारत की जनता क्या क्या चुनती हूं, प्रिय और श्रेय। प्रिय यानी प्रिय और श्रेय यानी अहम, मैं, प्रिय और श्रेय यानी कल्याणकारी। मैं प्रिय च यानी और कल्याण, उभयम चिनोमि, मैं प्रिय और कल्याणकारी को चुनती हूं। चलिए समझते हैं बच्चों एक बार। अभी हमारा एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम अभी बाद में लिखेंगे, पहले इनको समझ लीजिए। भारत जनता एम कई परिपूता अस्ति, भारत जनता आध्यात्म सुधा तटनी स्नाने परिपूता अस्ति। सम जगत कथम मुग्धम अस्ति, सम जगत भारत जनताया नृत्य गीतय काव्यश्च मन मुग्धम अस्ति। अहम किम किम चिनोमि, अहम प्रेय श्रेय च उभयम् चिनोमि, यानी अहम प्रेय श्रेय च उभयम् चिनोमि। ये मैंने आपको और भी बता दिया है। चलिए अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न घ, ये इसी का प्रश्न है, नंबर घ। अहम कुत्र सदा दृश्ये, मैं सदा कहाँ देखी जाती हूँ। अहम यानी मैं, कुत्र यानी कहाँ, सदा यानी हमेशा, दृश्य में देखी जाती हूँ, मैं सदा कहाँ देखी जाती हूँ या मैं हमेशा कहाँ देखी जाती हूँ। तो कहाँ देखी जाती है भारत की जनता, अहम विश्वस्मन जगत सदा दृश्य अहम मैं विश्वस्मन यानी जगत सदा दृश्य, मैं संपूर्ण जगत में देखी जाती हूं या मैं सारे संसार में देखी जाती हूं। बच्चों प्रश्न नंबर 5 और प्रश्न नंबर 2 का समान ही
आंसर है, इसलिए हम प्रश्न नंबर 5 को नहीं करेंगे कि दोनों का समान उत्तर है। सभी बच्चे ये जो आपके प्रश्न उत्तर आते हैं इसमें कॉपीज में, सभी बच्चे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे स्पष्ट व साफ साफ। हमारा पाठ संपूर्ण हो चुका है बेटा, सभी बच्चे साथ के साथ अपने पाठ को याद भी करेंगे। धन्यवाद।